नमस्कार। आज की साइंस कॉल पर हम जानेंगे कि अपनी थाली परोसते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं, जैसे थाली में अलग अलग फूड ग्रुप्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और इसे आप कैसे आसानी से घर में ही मेजर कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब और बहुत कुछ जानते हैं डॉक्टर राजा श्रीश्वन जी से। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन में साइंटिस्ट हैं और आज के हमारे न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर श्रीश्वन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। माई प्लेट फॉर द डे, ये रिकमेंडेशंस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की। तो इन रिकमेंडेशंस के मुताबिक जब मैं अपने खाने की प्लेट परस रही हूँ तो उस समय मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात है कि ये माई प्लेट है जो आम आदमी के लिए बना दिया गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि कितने फूड ग्रुप्स अपने प्लेट में रखना है। जैसे फूड ग्रुप्स यहाँ बोले तो जैसे खनिज, जैसे चावल या पल्सेस, जैसे हम बोलते हैं दाल कि जी। दाल, और जैसे हरे पत्तेदार, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेबल सब्जी और जी फल, और नट्स एंड ऑयल सीड्स जैसे ग्राउंडनट्स या आलमंड्स, और दूध ऐसे, और मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स। तो ये सब हम ये डाइट में हम कितने क्वांटिटी में खाना है, हम ये रिकमेंडेशन दिए थे। जो आपने रिकमेंडेशन दिया है क्वांटिटी का, अब हम घर में जब खाना परस रहे होते हैं तो या खाना बना रहे होते हैं, हर किसी के पास वेइंग मशीन या उसको वे करके बनाने का ना तो समय होता है ना इतना पेशेंस है कि हम हर रोज ऐसा कर पाए। तो इसको करते हुए अब मैं फूड, जो भी फूड ग्रुप्स या फूड सब्सटेंसेस आप रिकमेंड करते हैं उनकी परसेंटेज या उनकी क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो जो आसान है मैं पहले बोलूंगा, जब हम बोलेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जी। अगर हम फल लिए तो हम फल कैसे खाना है, कितने खाना है, उसको हम रिकमेंड कर सकते हैं भाई सर्विंग साइज बोलते हैं हम। एक अच्छा। तो हर हर फल का एक सर्विंग साइज रहता है। जैसे हम लेते हैं कि सबसे मोस या बनाना, तो वो 80 ग्राम्स का एक एक पीस रहता है अंदाजा। एवरेज हम जो पूरा इंडिया में एवरेज करे तो एक बनाना रफली अबाउट 80 ग्राम्स रहता है, उसको हम वन सर्विस सर्विंग साइज बोलते हैं। तो ये सर्विंग साइज जो है बनाना का, बनाना एक बनाना रहता है, वन बनाना इज इक्वल टू वन सर्विंग साइज, वन एप्पल और वन ऑरेंज, ये संतरा। तो ये पूरा वन सर एक 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 पीस एक सर्विंग साइज के हिसाब से हम बना देते हैं एक पीस मतलब एक पूरा एप्पल, हम एक पूरे पूरा एप्पल पूरा की बात कर रहे हैं या पूरा एक ऑरेंज अगर हम खाते हैं तो दैट इज पूरा वन सर्विंग साइज, राइट? साइज। हाँ जी हाँ तो अगर हम बड़े बड़े फ्रूट्स जैसे हम पाइनएप्पल लेंगे, या तो संता, या तो वाटरमेलन लेंगे, या तो पपाया लेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम सर्विंग साइज मेजर करने के लिए हमको 250 ml बाउल लेना चाहिए। ये 250 ml बाउल, तो हमारा जो कटोरी है थोड़ा 150 ml रहेगा, बट 1 कप और वन, तो ये स्टैंडर्ड सर्विंग साइज हमारे घर में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा वही हिसाब से हम ले सकते हैं। जी तो जी अगर जी वो 250 ml कप हमारे घर में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर पाइनएप्पल है उसको पीसेस करके वो आधा आधा तक वो फिल करना है। तो अगर आधा वो आधा फिल करे तो उसको हम वन सर्विंग साइज बोलते हैं। हाँ, तो ये बड़े फ्रूट्स को ऐसा बोलते हैं। छोटे 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 फ्रूट्स को भी हम आधा आधा तक भरना है। जैसे जी जी जो बेरी, ग्रेप्स जो रहते हैं, अंगूर, वो आधा कप तक हम फिल कर सकते हैं, उसको वन सर्विंग साइज बोलते हैं। ऐसे हम 5 to 7 servings हम ले सकते हैं। जो माई प्लेट में रिकमेंड कर रहे थे वो 600 ग्राम है, पर जो WHO रिकमेंड करता है वो 5 servings रिकमेंड करते हैं। हम थोड़ा ज्यादा ही रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि हमारा डायबिटीज, जो पॉपुलेशन में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल का बीमारी है वो ज्यादा है, उसके लिए हम थोड़ा ज्यादा ही रिकमेंड कर रहे हैं, इसलिए ये वही हिसाब से हम लेना पड़ेगा। अभी हम अच्छा। बात करते हैं वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स भी जैसे हम उसको कट करेंगे, अगर टोमेटो लेंगे या ब्रिंजल टमाटर या तो गोभी और जो भी लेंगे, उसको हम कट करके आधा 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 कप तक वो फिल करें तो एक सर्विंग साइज बनेगा। तो अगर घर में 4 आदमी हैं तो
तो हम कितना दो कप तक दो कप वो सब्जी बना लें। जी जी दो कप जी सब्जी बनाकर उनको बना सकते हैं, तो वो एक सर्विंग वन सर्विंग हो जाएगा। तो ऐसे हम रोज रोज हम 3 सर्विंग वेजिटेबल्स, 2 सर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले तो अच्छा है। और भी ले तो अच्छा, उसको मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं जो रिकमेंड कर रहे हैं, उससे हमारा ब्लड प्रेशर डायबिटीज भी कम होने की आवश्यकता ज्यादा है। यानी तो फल वो और सब्जी थोड़ी ज्यादा खा सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान नहीं देखते हैं आप। हाँ इतना कितना खाए तो उतना अच्छा है। और हाँ लास्ट हरे हरे पत्तेदार, हम क्या बोलते हैं, हरे पत्तेदार थोड़ा लाइट वेट रहता है बहुत, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरा कप उसको वेजिटेबल्स हरे पत्तेदार पूरे कप तक फिल करके हम उसको हाँ 1 सर्विंग बोलते हैं। तो अच्छा, ये सिंपल चीज हम जान लिए तो हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का खाना कैसे खाना हमको क्लियरली इजी हो जाएगा हमको। तो ये जी मेरा 250 ml कप हम ले तो हमारा सर्विंग साइज हो जाएगा ये सब्जी और फल के लिए। हाँ, और वंस एंड फॉर ऑल एक 250 ml का कप हम अगर ढूंढ करके रख लें अपने पास या घर में जो है उसको आइडेंटिफाई कर लें, तो हमारी बहुत सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। एक और चीज़ है कि आपने अभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात की, बट हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब सुनते रहते हैं, और जनरली कहा जाता है कि प्रोटीन्स ज़्यादा खाने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए। यू नो, जो भी डाइट बैलेंस डाइट की तरह अगर हम बनाएं तो उसमें प्रोटीन क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसको लेकर आपकी रिकमेंडेशंस क्या कहती हैं, और इसके कुछ सोर्सेज भी अगर आप आइडेंटिफाई करा पाए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ तो हमें हाँ तो अभी पहला जो है अभी जो बोल रहे हैं आप, इसको सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जैसे अच्छा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। इस कार्बोहाइड्रेट हमको शक्ति देता है, प्रोटीन्स हमारा शरीर के लिए बॉडी बिल्डिंग मसल्स के लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरत है, और फैट्स भी हमारे शक्ति के लिए जरूरत है। और उसमें थोड़ा और एसेंशियल फैटी एसिड्स भी है जो हर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में यूज होता है। तो ये तीनों सबसे इसको इसके लिए हम क्या करें, हमने रिकमेंड किया है गुड क्वालिटी प्रोटीन। उसको लिए हम सीरियल, पल्स और मिल्क, इसको हम क्या कर रहे थे, रेशियो बना दे दिए कि हर एक कप सीरियल, एक ये कप तो हर एक सीरियल उसी 250 ml कप में जो आप बात कर रहे थे। उस अंदाजा अंदाजा 250 ml, तो हम रिकमेंड कर रहे हैं 270 ग्राम्स, टू सेवेंटी अच्छा ग्राम रिकमेंड कर रहा है, तो उतना ही होता है। तो हम वो एक अगर एक कप लिए तो ऐसे 3 कप लेना है। सो ओके फॉर एवरी 3 कप्स ऑफ सीरियल्स हम 1 कप पल्सेस लेना है और ओके 1 कप मिल्क लेना है। ठीक है। तो ये अंदाजा हम यू कैन कह सो इसी के हिसाब से 300 ग्राम्स, सो हम बोलते हैं उसको 270 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स, हम 90 ग्राम्स ऑफ पल्सेस और 300 ml ऑफ मिल्क, तो अंदाजा पल्सेस तो कितना। मैं समझ रही हूँ, तरह तरह की दाल होती हैं घर में जो कि हम ले सकते हैं। सीरियल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें हमारे दर्शक, सीरियल्स का मतलब क्या? उसमें दो दो तरह की बोलते हैं, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको हम और उसको बोलते हैं कि हम रिफाइंड ग्रेन्स, जैसे राइस जो उसमें फाइबर कम रहता है, जैसे पास्ता उसमें फाइबर कम रहता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स देता है बट इट इज हाई इन शुगर्स, तो उसको हम रिफाइंड बोलते हैं। दूसरा जो बोलता है उसको होल व्हीट बोलते हैं, होल ग्रेन्स बोलते हैं। होल ग्रेन्स में जो होता है जैसे हमारा रोटी, तो होल व्हीट से जो रोटी बनाता है, मैदा से नहीं, होल व्हीट से, मैदा भी हमको रिफाइंड मिलेट्स में आता है, ये होल व्हीट होल ग्रेन्स में आता है, मिलेट्स आता है जैसे रागी, जोवार, बाजरा, तो ये सब तरह की मिलेट्स, इसको हम होल ग्रेन्स में बनाते हैं। ये आधा लेना चाहिए, ये आधा लेना चाहिए। आप कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होना चाहिए, पल्सेस कम होने चाहिए, थ्री हाँ इज टू हाँ वन का रेशियो। हाँ हाँ जनरली जब भी हम डाइट की बात करते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि आपको प्रोटीन्स ज़्यादा खाना है, मैक्सिमम आपके हर डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना है और कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। तो ये कैसे रिकमेंडेशन, आपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो इस चीज़ को कैसे बैलेंस करती है? हाँ तो हम जो बोलते हैं तो ऐसा है कि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम बोलते हैं कि less than 60% शुड बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। सो अराउंड अबाउट 25 to 30%, less than 30% शुड बी फ्रॉम फैट्स, एंड अबाउट 15% शुड बी फ्रॉम प्रोटीन्स, 15 to 20%, तो उससे ज्यादा नहीं। तो ये बस है अच्छा हमारा, तो सो ज्यादा हमें एनर्जी इज द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर एनर्जी हम नहीं अगर सीरियस नहीं खाए तो हमारा हमारे बॉडी के लिए शक्ति नहीं आएगा, हम और ढीला हो जाएंगे, हमारा कुछ काम नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा सीरियल्स ही ज्यादा खाना चाहिए, बट उस हम जो खाते हैं वो और ज्यादा खाते हैं, तो हम
जो हम जो N9 का डाइट है वो 270 ग्राम्स ऑफ सीरियल्स है, 90 ग्राम्स ऑफ पल्सेस है, और 300 ml ऑफ मिल्क है, और इसके ऊपर हम 30 ग्राम्स ऑफ लेस देन 30 ग्राम्स ऑफ विजिबल फैट लेना चाहिए। विजिबल फैट मतलब? विजिबल फैट बोल तो जो तेल या वसा, जैसे जैसे हम मक्खन, ये पूरा जो दिखता है बाहर से वो विजिबल फैट बोलते हैं, जो बाहर से हम खाते हैं वो विजिबल फैट रहे। ओके साधारण क्या होता है, दूध में भी थोड़ा फैट रहता है, वो हमको दिखता ही नहीं, क्योंकि जी। दूध 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 के अंदर ही रहता है। पर जो हम बाहर से डालते हैं, जैसे हम जब भी अब सब्जी बनाते हैं तो तेल डालते हैं, जैसे हम रोटी बनाते हैं तो थोड़ा तेल डालते हैं, वो बाहर का तेल है, जैसे मक्खन डालते हैं ऊपर रोटी के ऊपर, तो ये बाहर विजिबल फैट जो हमारे आंखों को दिखता है वो विजिबल फैट है, तो वो 30 ग्राम्स के अंदर होना चाहिए, तीस जी ग्राम ये ठीक बात है। ये आप एक तरह से हेल्दी डाइट की बात कर रहे हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ एनर्जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम दिन भर के अपने काम कर सकें, तो एनर्जी कंटेंट हमारे डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। पर जब भी हम डाइटिंग की बात करते हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें या डाइट करना चाहें, वेट लूज़ करना चाहें, तो डाइट में प्रोटीन की क्वांटिटी एकदम से बढ़ा दी जाती है। हाउ इज़ दैट हेल्पफुल? तो ये हाई प्रोटीन डाइट जो है, जी हमारा वेट लॉस के मेन टारगेट है, जो हम एनर्जी को कम करने के लिए हमारे मेन एक्सरसाइज है। बट एनर्जी अगर कम ले रहे तो हमारा प्रोटीन भी कम होता है, तो ये जो अच्छा डाइट होता है थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट्स रिकमेंड करते हैं। ये हाई हाँ प्रोटीन डाइट से हमारा लीन मास बढ़ता है और हमारा फैट मास थोड़ा कम होता है, तो ये हिसाब से वो रिकमेंड करते हैं। क्या है, अभी जो स्टडीज जो उसके ऊपर है वो क्या है ना, शॉर्ट टर्म है, जैसा अगर हाई प्रोटीन डाइट हम लिए तो भी वो 6 महीने के बाद फिर हम नॉर्मल वही हम जो पहले जो हमारा वेट था वही हम फिर आ जाएंगे, तो ये ये शॉर्ट टर्म है। अगर हम जो रिकमेंड कर रहे, जो जो बैलेंस डाइट हम रिकमेंड कर रहे, अगर ये खाए तो आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे पर ऐसा। आपने जो डाइट रेकमेंड की है, जो भी आपके फूड ग्रुप्स आपने रेकमेंड किए हैं, क्या उनसे वजन कम होगा? जैसे हम ओवर कुछ व्यक्ति लोग ओवरवेट हैं और वो आपकी रेकमेंडेड डाइट यूज़ करते हैं, खाते हैं जो आपकी माई प्लेट फॉर द डे में रेकमेंडेड है, तो क्या उससे एनर्जी लेवल तो उनका बढ़ेगा, पर क्या थोड़ा बहुत अगर वेट लॉस करना चाहें वो उसमें हेल्पफुल होगा? किसी तरह से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इसको? नहीं हम इसको वेट लॉस डाइट नहीं बोल रहे, इसको हम बोल रहे माई प्लेट जो है ये वेट लॉस डाइट तो नहीं है, नहीं ये है। हम ओके डाइट बोलते हैं, बट फिर भी हम ये 2000 कैलोरी किलो कैलोरी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। अगर ओके ये माई प्लेट जो रिकमेंड करे दो हजार किलो कैलोरीज, अगर विच इज ऑप्टिमल फॉर गुड बॉडी वेट, हम वो रिकमेंड कर रहे थे। अगर वही कंटिन्यू ले तो ऑटोमेटिकली हर हर रोज उनको वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो एंड वो ऑटोमेटिकली वो भी वे अगर जो ओबीस बोलते हैं, जो यूजुअली उनको 3000 कैलोरी से ज्यादा ही खाते हैं, तो हम जो माइप्लेट का ओके रिकमेंड रहे वो बहुत कम है, कैसे भी कम है, जी। तो और हम थोड़ा इसमें कुछ चीट डाइट का ऑप्शन है, चीट डे ऑप्शंस हैं कुछ, जिसमें हम थोड़ा कुछ मीठा खा ले या कुछ तला हुआ खा ले, इस तरह की चीजें? हाँ। तो अभी तो माइप्लेट हम चीट डाइट तो रिकमेंड नहीं कर रहे, बट जी हम जो रिकमेंड कर रहे हैं जैसे 30 ग्राम्स ऑफ विजिबल फैट, लेस देन 10 ग्राम्स ऑफ शुगर, लेस देन 10% ऑफ कैलोरीज ऑफ शुगर, उससे थोड़ा मीठा खा सकते हैं जरूर, बट उससे ज्यादा ओके नहीं, ज्यादा लेस देन टेन नहीं। परसेंट ऑफ लेस देन टेन 10% से कम रहना है शुगर से आना है, और 30 ग्राम से विजिबल फैट, उसमें सैचुरेटेड फैट शुड बी लेस देन 10%, तो हम ओके कितना जी। कम खाए तो उतना अच्छा है, स्वीट्स और जो भी है स्नैक्स। हाँ अच्छा, इसमें कुछ जेंडर स्पेसिफिक भी है कि मेल्स के लिए अलग क्राइटेरिया है और फीमेल्स के लिए अलग क्राइटेरिया है, या फिर एज ग्रुप वाइज कुछ डिफरेंस है कि एज ग्रुप वाइज हम अलग अलग तरीके का खाना खाएं या अलग अलग क्वांटिटी में खाएं? तो अभी जो माई प्लेट बना दिए वो सभी ना फॉर अडल्ट्स, जो 18 ईयर्स के अबव, 18 एंड अबव आदमी को, बोथ फॉर मैन एंड वुमेन, रेफरेंस मैन एंड वुमेन के हिसाब से हम बना दिए, अच्छा जो 60 केजीस मैन और 55 केजी वुमेन के लिए ये माई प्लेट हम बना दिए ऐसा। ओके। अब जैसे आपने कहा 55 kg वुमेन, अब किसी का वेट अगर 85 kg है इस वक्त, तो वो कैसे आपकी इन रिकमेंडेशंस को फॉलो कर सकता है? हाँ, तो ये हम पहले से बोल रहे हैं कि दिस इज फॉर ऑप्ट नॉर्मल वेट एंड मेन, तो जो ओबेस है उसके लिए सेपरेट डाइट्स बना दें, न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, वो रिकमेंड दे देंगे। बट इन जनरल हम रिकमेंड करेंगे कि पहले उनको जैसे एक्सरसाइज,
एवरीडे 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, टेकिंग बैलेंस डाइट, एंड जो जो भी हमारा प्रपोर्शन से मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर ये लिए तो, एंड जस्ट और प्रोसेस फूड स्वीट्स एंड शुगर्स हम कम करें तो ऑटोमेटिकली हम वेट भी कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, डायबिटीज भी कम हो जाएगा। अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के डाइटरी पैटर्न्स पे भी फर्क पड़ता है, अगर आप देखें, मतलब आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनके मुताबिक भी अगर हम देखें तो. हाँ, तो क्या होता है ना, अर्बन इंडिया जो हम रहते हैं तो हमारा एक्सरसाइज बहुत कम रहता है। अर्बन इंडिया में बिजी, हमारा बिजी वर्क लाइफस्टाइल में हम रोज मोटर व्हीकल्स लेता है, हमारा चलना एक्सरसाइज बहुत कम है, एंड हमारा जगह भी नहीं है वॉकिंग करने के सुबह। तो ये इतनी चैलेंजेस है, इसी तो अर्बन सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हैं हम। ये सेडेंटरी जी लाइफस्टाइल में तो हमारा पहले एक्सरसाइज कम है, उसके हिसाब से हम प्रोसेस फूड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेस फूड ज्यादा है। कोई भी सुपरमार्केट लिए तो हर तरह की प्रोसेस फूड्स मिलता है, छोटा काउंटर में एक ही प्लेस में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बिस्किट्स या रहता है, पास्ता रहता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का काउंटर बहुत कम है हमारे सुपरमार्केट में, तो फूड चॉइसेस इसके हिसाब से इफेक्ट होता है। तो अर्बन इंडिया में प्रोसेस फूड ज्यादा लेते हैं, मगर रूरल इंडिया में थोड़ा उनको एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। हर रोज सुबह उठते हैं, आधा घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज मिलता है उनको, सनलाइट भी मिलता है, और प्रोसेस फूड्स का अवेलेबिलिटी भी कम है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता है क्योंकि उनका ही है, उनका ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में आता है उनको सब। तो ये थोड़ा तो रूरल इंडिया में, बट अर्बन इंडिया में क्या है ना, बिकॉज ऑफ ऑल दिस चेंजेस प्रोसेस फूड ज्यादा खा रहे हैं हम। गोइंग टू होटल्स वेयर प्रोसेस फूड्स, इन होटल्स में भी हाई फैट फूड्स रहता है जो हम खाते हैं, जो बेकरीज में खाते हैं बर्गर या पिज्जा, जो मल्टी नेशनल रेस्टोरेंट्स जो आए हैं उससे भी हमारा डाइट पैटर्न बहुत खराब हो रहा है, और ये हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रीश्वन फॉर ज्वाइनिंग अस. या थैंक यू, थैंक यू।